Conductance. इसमें दो ट्रायंगल ऐसा दिया रहेगा ए बी सी और लीनियर लीनियर, तो इसमें गिवन क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल लीनियर। तो यहां से क्या क्या मिल सकता है, दैट इज AB by BD is equal to BC by DF is equal to AC by DF and angle B is angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle D and angle C is equal to angle F. इसे को मान लेते हैं वन टू प्रूव में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बीएफ, और ये जो साइड है तो सिमिलरिटी दिया हुआ है, तो ये साइड का है रेशियो, जब एरिया देगा सिमिलर ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो देगा तो इस सब साइड का स्क्वायर कर देना है इसका, ठीक है, मतलब कि ए बी स्क्वायर बाय डी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा बी सी स्क्वायर बाय डी एफ स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई डी एफ स्क्वायर, ये प्रूव करना है। तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ती है, कंस्ट्रक्शन में कि हम यहां से ए से बी सी पर पी और ए क्यू हम परपेंडिकुलर ड्रॉ बी ड्रॉ AP perpendicular to BC and DQ perpendicular to EF intersect. अब प्रूफ में हम लोग क्या निकालना है, एरिया का रेशियो निकालना है। सबसे पहले एरिया से निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC by एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आ जाएगा 1 बाई टू मल्टीप्लाई, अगर बेस बीसी लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा एफ, और इसके लिए 1 बाई टू मल्टीप्लाई अगर बेस ईएफ लेंगे तो हाइट क्या हो जाएगा बी। तो यहां से हाफ और हाफ कट जाएगा तो क्या हो जाएगा बीसी मल्टीप्लाई एबी बाई EF मल्टीप्लाई बी। तो अब देखिए यहां पर तो BC बाई EF है लेकिन एक्स्ट्रा में क्या आ गया AP बाई DP, और लाना क्या है BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर, तो अगर AP बाई DP BC बाई EF के बराबर आ जाए तो स्क्वायर भी जाएगा BC स्क्वायर बाई EF स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको हम मान लेते हैं टू। Now, in triangle ABB, ABC and triangle DEQ, angle B is equal to angle कितना होगा? E, angle B is equal to angle E, ये दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये similar है, और ये by one and angle E is equal to angle Q is equal to 90 degree by construction. So, triangle ABP is similar to triangle. यहाँ तक आप फ्री, उसके बाद सोचना पड़ेगा। तो A के बराबर क्या है? हाँ, यहाँ पर देख लेते हैं B की जगह क्या है? E है। तो second plus पर B है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? E. और P की जगह क्या है? थर्ड प्लेस पर P है, थर्ड प्लेस पर यहाँ जाएगा Q, और यहाँ जो बच गया P, सिमिलर हो गया, किस लिए बाय क्यों बाय A सिमिलर बाय A सिमिलर। जब ये सिमिलर हो गया हमें क्या चाहिए था AP और DQ, तो AP इसका लेंगे
तो इसका क्या हो जाएगा dQ AP by dQ is equal to AB by DE. ये AB by DE जो आएगा, अब ये AB by DE यहाँ से कितना है, ये सब के बराबर है, ठीक है, but AB by DE is equal to BC by EF by 1, BC by EF by 1, so by 2 area of triangle ABC by area of triangle DEF is equal to कितना आ जाएगा, BC by EF multiply BC by EF is equal to BC square by EF square by EF square. और लेकिन फिर BC by EF तो इस सब के भी बराबर है, तो हम सबके बराबर लिख सकते हैं, so by again by 1 again by 1 area of triangle ABC by area of triangle BEF equal to, अब यहां से सब इसी का स्क्वायर करके AB square by BE square is equal to BC square by DF square by DF square is equal to AC square by AC square BC square by EF square is equal to AC square by DF square. ये हम लोग कर लेंगे. इसमें किसी को एक डाउट है? ये तो हमको